वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर संडे गपशप व्लॉग। सो संडे को जो भी व्लॉग शूट कर लेती हूँ उसका नाम मैं जनरली संडे गपशप व्लॉग रख देती हूँ। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि व्हाट आई एम डूइंग इन दिस क्वारंटाइन डेज। आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। तो काफी सारे मेरे पेंडिंग काम थे वही मैं निपटा रही हूँ, काफी कुछ हो चुके हैं एंड कुछ बचे हैं। मैं पहले क्राफ्ट वीडियोस भी अपलोड किया करती थी, अभी काफी टाइम से मैं नहीं कर पाई। बहुत सारी प्लानिंग रहती है माइंड में बट थोड़ा सा टाइम नहीं था, मैं बिजी थी कॉलेज के वर्क में, असाइनमेंट्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह एंड ट्रैवलिंग में भी बिजी थी काफी ज्यादा। फिर थोड़े से हेल्थ इश्यूज हुए सो मैं थोड़ा गायब हो गई थी अराउंड टू मंथ्स के लिए। सो रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। आप लोग काफी ज्यादा मुझे मिस कर रहे थे एंड मैं भी आप लोगों को मिस कर रही थी। सो मेरी प्लानिंग है कुछ क्राफ्ट वीडियोस भी इस ड्यूरेशन में आप लोगों से शेयर करने की एंड वेस्ट मटेरियल से हैं वो सारे मैंने ढूंढ के रख लिए हैं कहाँ कहाँ मैंने रखे थे, क्योंकि ये सारी चीजें मैं कलेक्ट करके रखती हूँ। आई नो आप सबके घरों में मिल जाती हैं ये, सो आप इजिली इनसे काफी अच्छा क्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं आपसे शेयर करूंगी एंड मेरी प्लानिंग है कुछ और वीडियोज आपसे शेयर करने की, लाइक स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर एंड मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है एक्चुअली। मैंने कोई भी रिंग लाइट या इस तरह की लाइट नहीं परचेज की थी अपने लिए, मैंने बनाया था तो DIY लाइट बनाया था अपने लिए। सो एक्चुअली ये सारा कुछ मेरा जो काम है ना स्टार्टिंग से लेके अभी तक का वो सारा कुछ जुगाड़ का है, तो मैं कभी कभी हंसती हूँ बहुत ज्यादा और मुझे ये लगता है कि इस चैनल का नाम होना चाहिए था इट्स जुगाड़ टाइम सीरियसली, क्योंकि हर चीज इसमें मैंने जुगाड़ की हुई है स्टार्टिंग से। सो पहले वो गड़बड़ हुई थी लाइट तो मैंने उसे सुधार लिया था, अभी इस बार जो गड़बड़ हुई है तो काफी अच्छी खासी इसमें स्पार्किंग हुई है एंड धुआं हो गया है तो वो जल नहीं रही है। मैंने काफी कोशिश की उसे ठीक करने की, पापा के पास भी लेके गई थी मैं हेल्प के लिए, सो अभी वो बन नहीं पा रही है एंड क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, लॉकडाउन तो सारी शॉप्स वगैरह बंद है, तो मैं बाहर वैसे भी नहीं जा सकती हूँ लेने के लिए। एक न्यू वायरिंग ले आऊं दूध वाले भैया एंड थोड़ा सा ये अनोइंग साउंड आ रहा होगा, ये मोटर चल रही है सुबह पानी भर रहे हैं हम लोग इसलिए। सो लेट्स सी मैं क्या जुगाड़ करने वाली हूँ, इतने दिनों तक खाली तो मैं बैठूंगी नहीं, आप सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं वीडियोस आपसे शेयर करूँ। सो देखते हैं क्या जुगाड़ बाहर निकल के आता है इस खराफाती दिमाग से। ओके तो सुबह सुबह का मेरा यही टाइम रहता है डेली रूटीन, आपको पता ही है मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में मैंने आपसे शेयर किया है, थोड़ी कुछ और चीजें मैंने एड ऑन की हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए मैं नहीं जा सकती क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है एंड घर पर ही मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया करती हूँ। सो अब मैं बैठ के देखूंगी रामायण जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है देखना एंड मैं इंतजार करती हूँ सुबह कब जल्दी से 9 बजे रामायण आए, और रात में यू नो 9 बजे रात में भी आती है तो मैं रात में भी बैठ जाया करती हूँ, बहुत क्रेज रहता है मुझे देखने का। सो बस अपनी मॉर्निंग टी लूंगी, जरूरी नहीं होती मेरे लिए चाय बट जब बन जाती तो मैं पी लेती हूँ। सो जाती हूँ अपनी मॉर्निंग टी लेके आती हूँ देन एंजॉय करूंगी रामायण एंड देखते हैं क्या नाश्ता बनता है घर पे आज। मॉर्निंग का जो भी काम मैंने प्लान किया हुआ था वो सारा कुछ हो चुका है, अब मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। मैं सोच रही थी आफ्टर टेकिंग अ शावर मैं लूं बट मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी अभी। सो मैं लेके आ गई हूँ मैगी और ये बड़ा सा फैमिली पैक है, ये स्टॉक है मेरा एक्चुअली, मैं लेके आ गई थी क्योंकि मुझे पता है बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाने वाली चीज है एंड पसंद भी बहुत ज्यादा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैगी खाना नाश्ता एंड मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद भी होगा। सो फटाफट मैं इसे बना लेती हूँ। सो प्लेन मैगी बनाने वाली हूँ मैं आज, टेस्ट मेकर ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून घी, घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कभी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, कुछ लोग ट्राई कर चुके होंगे उनको पसंद भी होगा। एंड मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर ऑप्शनल होता है बट मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है दैट्स व्हाई मैं ऐड कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से बनती है मेरी प्लेन मैगी। मैगी गाइज आई हैव टेकन अ बाथ, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, इसके बाद मैं करूंगी सूर्य जल अर्ध्य जो कि मेरा डेली रूटीन होता है। आज मैं लेट हो गई हूँ, आप लोग सोच रहे हो अभी तक इसने पूजा पाठ वगैरह कुछ की नहीं है, सो
लॉकडाउन टाइम में ना मैं काफी ज्यादा लेजी हो गई हूँ, काफी लेट लेती फिर से चल रहा है मेरा दिन भर का कार्यक्रम। बट जब मुझे कॉलेज जाना रहता है, मेरे कॉलेज का टाइम है मॉर्निंग 8 o'clock का, सो बिफोर 8 o'clock मेरे सारे काम हो चुके होते हैं। सो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ, मिलती हूँ इसके बाद। सो कुछ इस तरह की प्लानिंग है मेरी लॉकडाउन टाइम ड्यूरेशन के लिए। कुछ मैंने इस तरह के वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके रखे थे पहले से कि मैं इनके क्राफ्ट बनाने वाली हूँ। सो ये टिन केन है एंड इसका मैं प्लांटर बनाने वाली हूँ। गमले कुछ पौधे ऑलरेडी मेरे पास हैं क्योंकि हमारे घर में काफी सारे पौधे लगे हुए हैं, सो उन्हीं में से मैंने ले लिया है जो तने से लग जाते हैं, पानी में भी रह जाते हैं एंड मिट्टी में भी लग जाते हैं। तो उनके तने से मैंने उन्हें तोड़ लिया था और उन्हें मैं रखने वाली हूँ अपने रूम में, क्योंकि एयर प्यूरीफायर का भी काम काफी अच्छा करते हैं वो। और ये बच्चू भाई के रसगुल्लों का टिन वाला है ये केन, सो इसका मैं प्लांटर बनाऊंगी। एक दो और है मेरे पास, तो उनके साथ मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। नेक्स्ट आई हैव ये बुद्धा फेस स्ट्रक्चर जो कि काफी स्टर्डी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कार्डबोर्ड मटेरियल है ये, थिक एंड स्टर्डी। सो 30 rupees का मैंने बाय किया था मार्केट से, जहां पे भी आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप्स होती है ना, आपको वहां पे ये इजिली मिल जाएगा। इसके अलावा आपको काफी ढेर सारे स्टेंसिल्स मिल जाएंगे लाइक दिस। सो ये मैंने बाय किया था 30 rupees का, और भी सारे मटेरियल हैं जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर मुझे प्रिपेयर करने में लगेंगे। सो ये अंडर 50 rupees मेरा बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। सो एक ये है मेरे पास। नेक्स्ट आया है बहुत ही ब्यूटीफुल से ये पाइन कोन्स, जिन्हें मैं लेके आई थी मेरी हिमाचल प्रदेश ट्रिप से, शिमला से मैंने लिए थे आई गेस। मुझे काफी सारे मिल गए थे, वहां पे जंगल रहते हैं तो मैंने ले लिए थे वहां से। सो इनका भी काफी अच्छा डेकोरेशन मैं रेडी करूंगी, बट कुछ थोड़ा सा यूनिक आइडिया मैं प्लान कर रही हूँ, उसके बाद ही कुछ आपसे शेयर करूंगी। ये सारे हमारे इंडोर प्लांट्स हैं जिन्हें अभी हमने धूप में रख दिया है ताकि इन्हें थोड़ी सी सनलाइट मिल जाए, और आप देख सकते हो इनकी कंडीशन काफी ज्यादा बेटर हो गई है। तो ये रही हमारी खरीदी आज की, हमने काफी ढेर सारे अंगूर बाय किए हैं, एज यू कैन सी काफी ढेर सारे हैं ये, और हम इन अंगूरों से बनाने वाले हैं किशमिश। इस तरह का एक्सपेरिमेंट मैं पहली बार कर रही हूँ, बट मेरी मम्मी काफी बार बना चुकी हैं अंगूरों से किशमिश। सो एक प्रॉपर वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी किस तरह से मेरी किशमिश बनके रेडी होती हैं एंड कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा एंड ऑल। सो या काफी अच्छी तरह से हमने इन्हें क्लीन कर लिया है, पोटाश के पानी में भी एंड नॉर्मल वाटर में भी, क्योंकि अभी कोरोना वायरस तो काफी ज्यादा चल रहा है यू नो, सो काफी ज्यादा हाइजीन पे ध्यान देना होता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। सो गाइस खाना बनने में अभी टाइम है, हमारे यहाँ बन रही है कढ़ी, और आज का जो लंच का मेन्यू है वो है रोटी कढ़ी और चावल। सो कैसा चल रहा है आप लोगों का क्वारंटाइन टाइम, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। सो मैं चाह रही हूँ इस लॉकडाउन टाइम ड्यूरेशन को काफ़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज करना, क्योंकि अभी छुट्टियाँ ही है समझो, सो कॉलेज नहीं अभी मेरे, बट मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि विदाउट एनी सिंगल डे गैप हमारे एग्ज़ाम होंगे कंटिन्यूएशन में, एंड 12-13 सब्जेक्ट्स हैं मेरे, सो उन सारे की प्रिपरेशन करना है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में मैं अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रही हूँ, एंड बुक रीडिंग का भी मुझे काफ़ी शौक है, तो कुछ बुक्स मैं रीड करना प्रेफर करती हूँ, एंड अपने कुछ ईमेल्स को डिक्लटर कर रही हूँ, जो जीमेल इनबॉक्स है मेरा उसकी डिक्लटरिंग भी कर रही हूँ, ताकि जो अनवांटेड और अननेसेसरी ईमेल्स है वो हट जाएँ। एंड इसी तरह से अपने लैपटॉप को भी क्लीन कर रही हूँ मैं, जो भी अननेसेसरी इमेज हैं ओल्ड क्लिपिंग्स है मेरी वीडियोस की जो काम की नहीं है मेरे, ताकि स्टोरेज का भी प्रॉब्लम मुझे ना हो, क्योंकि अभी मुझे फेस करना पड़ जाता है काफ़ी बार भी, काफ़ी सारे वीडियो क्लिपिंग्स उसमें हो गई हैं मेरी, सो वो डिक्लटर कर रही हूँ मैं। एंड मेरे क्राफ्ट आइडियाज़ है, कुछ कुकिंग का छोटा मोटा मैं बना लेती हूँ। सो कुछ इस तरह से जा रहा है मेरा क्वारंटाइन टाइम। Amazon Prime पे मैं देख लेती हूँ कुछ मूवीज़ जो मैंने पहले देखी नहीं है, एंड ये जो है ज़िंदगी एक बहुत पुराना सीरियल है, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तो उस टाइम का है, बट वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, फैमिली प्रोग्राम है वो, एंड उसमें जो कॉमेडी है वो बहुत ही अच्छी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग देखिएगा ज़रूर, आपको भी बहुत पसंद आएगा। एंड मैं डेली उसको लगा के बैठ जाती हूँ, हर दिन मैं 3-4 episode तो देखती ही हूँ दोपहर टाइम में, एंड खाना ना खा के थोड़ी देर मैं वो शो देख के इन्जॉय करके सो जाती हूँ। उसके बाद मैं उठती हूँ, अपना वीडियो शूट करती हूँ, एडिटिंग एंड ऑल। तो आज मैं शूट नहीं कर रही हूँ दिन में, मैं नाइट टाइम पे शूट करूंगी, बट अभी डे टाइम जो होगा मेरा खाना खाने के बाद वाला, उस टाइम पे मैं कुछ वीडियोस एडिट करूंगी।
सो गाइस अभी रात के 12 बज चुके हैं एंड मैं अपना वीडियो शूट कर रही थी. सो मेरा काम अभी हो चुका है. अब मैं जाऊंगी मेकअप रिमूव करके सोने के लिए थोड़ा सा नाइट स्किन केयर करने के बाद. सो अभी मैंने शूट किया है निविया हैंड क्रीम का रिव्यू एंड ये क्रीम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है. अगर आप कोई अफोर्डेबल हैंड क्रीम ट्राई देना चाहते हैं डेफिनेटली आपको ये क्रीम ट्राई देनी चाहिए एंड काफी अच्छे एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं. तो आज के इस व्लॉग को मैं यही एंड करूंगी एंड अब जाऊंगी सीधे सोने के लिए. कुछ और नेक्स्ट मुझे मिलेगा अच्छा सा आपसे शेयर करने के लिए तो उसे मैं व्लॉग शूट जरूर करूंगी एंड आपसे शेयर करूंगी. सो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग में. टिल देन बाय बाय.